भाजपा नेता और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के प्रवक्ता ने एक बार फिर से वीरभद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जो निर्णय सरकार को विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से लेना चाहिए वे निर्णय सरकार कैबिनेट बैठकों में ले रही है। एक ही प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए आनन फानन में बार बार कैबिनेट की बैठकें बुलाई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धनाढ्य सेठों के लिए तीन तीन दिन बाद कैबिनेट बुलाकर सिर्फ एक चाय बागान मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीलगाड़ी के इस चाय बागान को बेचने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट के प्रयोग में बदलाव किया जाता है। करीब 40 कनाल की जमीन पर बिना टीसीपी और नगर निगम और प्रशासन की अनुमति के 5 सितारा होटल बन रहा है जिसका नक्शा तक पास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की सरकार में ऐसा संभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में लैंड यूज चेंज करवाने वाली जो पार्टी है उनके पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ संबंध है, साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और वे खुद इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। दो रोज पहले हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक निर्णय लिया जिसके अंदर जो है टी गार्डन्स का जो है वो लैंड यूज बदल करके उसको कमर्शियल यूज करने के लिए और टूरिज्म के क्षेत्र में को विकसित करने के नाम पे जो है एक परमिशन एक पर्टिकुलर केस की दी गई जिसके लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट इम्पावर्ड ही नहीं थी, क्योंकि लैंड यूज रिफॉर्म या लैंड एक्ट को जो है अगर कहीं कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए इम्पावर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा है। इस मुद्दे को जो है वो विधानसभा में लेकर के जाना चाहिए था, जबकि सरकार पिछले 3 कैबिनेट 15 दिन के अंदर 3 कैबिनेट मीटिंग करी और 3 कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर जो है वो केवल और केवल ये मुद्दा जो है वो बार बार उठाया जाता रहा। राजस्व मंत्री का इसके ऊपर विरोध था, राजस्व सचिव का जो है वो इस मुद्दे के ऊपर विरोध था, बावजूद इसके जो है वो मुख्यमंत्री इस मुद्दे को बार बार लाते रहे। और क्योंकि ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं उनके निजी उसमें जुड़ा हुआ है, उनके परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे जो है वो ये जो लैंड यूज चेंज करवाने वाली पार्टी है उनका इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, और क्योंकि जिस जमीन का लैंड यूज चेंज करवाने की वो बात कर रहे हैं वहां पे पहले ही जो है वो उस एक होटल का निर्माण किया जा चुका है, उस होटल का किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं है, कोई उसका नक्शा पास नहीं है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कोई परमिशन नहीं है, उसके अंदर फॉरेस्ट से कोई क्लियरेंस नहीं है, उसके अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई क्लियरेंस नहीं है, बावजूद उसको सारे लाभ दिए गए। उस व्यक्ति ने जो है वहां पे कागजों के अंदर जो सरकारी रास्ता था पैदल चलने का पाथ था उसके ऊपर भी उसने एनक्रोचमेंट कर ली। आखिरकार क्योंकि हिमाचल के अंदर जो है वो टी गार्डन्स का जो है वो हेरिटेज माना गया और इनको विकसित करने के लिए 1966 के अंदर जो है वो टी बोर्ड का गठन भी किया गया कि ताकि चाय बागान जो है इनको कैसे जो है वो प्रोत्साहित किया जा सकता है, इनको कैसे विकसित किया जा सकता है। ये सारे मामले के अंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी है। इस सारे मसले में इनके साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं, जो होटल निर्माण करने वाला व्यक्ति है वो भारत सरकार के अंदर जो है वो कोई कर्मचारी है किसी विभाग में, उसके पीछे कौन है, कौन एनआरआई का पैसा लग रहा है, किसने पैसा लगाया है, ये सारे मामले की जांच। वहीं इस बारे में जब उपायुक्त कांगड़ा सीपी वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि चाय बगान के लैंड यूज एक्ट को चेंज किया जा रहा है और उसको होटल रिजॉर्ट या 5-स्टार होटल में कन्वर्ट भी किया जा रहा है। उस बारे में जिला प्रशासन स्थिति को स्पष्ट करना चाहता है। जिसके रकबे की ये बात हो रही है वो रकबा खसरा नंबर 56 और 58 का है, तो खसरा नंबर 56 में 19 कनाल और खसरा नंबर 58 में 21 कनाल भूमि है। इन दोनों को मिलाकर कुल 40 कनाल भूमि है जिसमें ये रिजॉर्ट का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये वो जमीन है जिसमें कोई चाय का बागान नहीं है और ये आज की एंट्री नहीं 1972 के बंदोबस्त सेटलमेंट की एंट्री में दर्ज है। उसमें ये लैंड बगीचा बरानी फलदार है। इसके बाद हमने और भी चेक किया है, जो 1965 के बंदोबस्त की पहली एंट्री है उसमें भी यही दर्ज है और इसकी क्लासिफिकेशन भी बरानी फलदार बगीचा है, उसमें भी किसी प्रकार के चाय बगान की कोई एंट्री नहीं है और इसका चेंज ऑफ लैंड यूज होने की कोई भी स्थिति नहीं है। जिसमें कहा गया है कि चड़ी में जो कि वैसे तो वो थोड़ा सा इंगित ही सही रूप से नहीं हुआ है,
कि वहां पे कोई चाय बगान की जो लैंड है उसको उसका लैंड चेंज ऑफ लैंड यूज हो रहा है, उसको जो है होटल या फाइव स्टार होटल रिजॉर्ट के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। उस बारे में हम जिला प्रशासन की तरफ से अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। वो वहां पे जिस रकबे की बात कर रही है वो रकबा खसरा नंबर 56 और खसरा नंबर 58, जिस रकबे पे खसरा नंबर 56 पे 19 कनाल है और खसरा नंबर 58 पे 21 कनाल जो जमीन जो उपलब्ध है, और कुल ये 40 कनाल जमीन है जिसपे ये जो रिजॉर्ट का निर्माण हो रहा है, ये जो जमीन है इसमें कोई चाय बगान नहीं है और ये आज की एंट्री नहीं है, ये 1972 की जो सेटलमेंट की एंट्री है, बंदोबस्त की एंट्री है, उसमें भी इसका दर्ज है, वो है बगीचा बरानी फलदार है। और उसके बाद हमने और चेक किया है कि 1965 की जो एंट्री बंदोबस्त से पहले की एंट्री है उसमें भी यही एंट्री दर्ज हुई है, तो क्लासिफिकेशन भी इसकी बगीचा बरानी फलदार है, उसमें किसी प्रकार के चाय बगान की एंट्री नहीं है, तो इसका चेंज ऑफ लैंड यूज होने की कोई भी स्थिति नहीं है और जो भी रपट है वो सही नहीं है तथ्यों के विपरीत।